नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आई रुक करते हैं खबर की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम। कसरावत नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने स्थापना दिवस मनाया। संयोजक मुख्य वक्ता सरोज सोनी ने दीप प्रज्वलित किया। संगठन के उद्देश्य और कार्यों पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह बड़े गर्व और गौरव की बात है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि समाज एकजुट और संगठित हो। हिंदू समाज के विभिन्न जातियों में बांटे होने का फायदा उठाकर धर्मांतरण का कार्य किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद विगत 60 वर्षों से हिंदू समाज को संगठित और एकजुट करने का काम कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज में कोई जात पात ऊंच नीच अमीरी गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। समाज एकता का ही परिणाम है कि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा में लाखों हिंदुओं ने अपना योगदान दिया। मुख्य अतिथि बाल गोपाल गौशाला निमरानी श्री श्री 1008 महंत लक्ष्मण गिरी महाराज थे। सीआईडी न्यूज से राजेश सुल्तानी की हुई थी और आज हम उसी के निमित्त यहाँ पर 60 वर्ष पूर्ण होने पर हम यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हैं। और विश्व हिंदू परिषद के अनेक अनेक उपलब्धियाँ हैं जो हिंदू समाज को ध्यान में आए कि इस देश में अनेक अनेक प्रकार की जिस समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए विश्व हिंदू परिषद बना। हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा, हमारी गौ माता की रक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, जिस प्रकार से विधर्मियों द्वारा हमारी बहन बेटियों को लव जहाज के माध्यम से फंसाना, लैंड जहाज करना, अनेक अनेक प्रकार की विधर्मियों के द्वारा समस्याएं यहाँ उत्पन्न करना, उन समस्याओं के समाधान के लिए विश्व हिंदू परिषद है। और विश्व हिंदू परिषद का काम है सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से समाज को जागरण करने का काम, अनेक अनेक सेवा के माध्यम से जो ऐसे बच्चे हैं जहाँ जिन शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, जहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराना, फिर साप्ताहिक अपने रक्त परीक्षण है, शारीरिक परीक्षण है, कुछ ऐसे रक्त बैंक भी प्रारंभ करना और छोटे मोटे चिकित्सा केंद्र प्रारंभ करके और जहाँ पर आवश्यकता है, अभावग्रस्त क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सेवा के कार्य प्रारंभ करना, बालवाड़ी और बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए कि भाई आज संस्कारों की कमी है, संस्कारहीनता के कारण अनेक अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं, उन संस्कारों से सिंचित उनको परिवार को करना, उन आने वाली पीढ़ी को करना और संस्कार के कारण ही हमारा हिंदू समाज जो है दूसरे अन्य धर्मों में जाने से वो रोकेगा। हम धर्मांतरण को रोकने का प्रयत्न करेंगे, परावर्तन का काम प्रारंभ करेंगे और ऐसे जो हमारे बच्चे हैं उन छोटे छोटे बच्चों को संस्कार के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयत्न करेंगे। इन 60 वर्षों में बहुत कुछ हमने उपलब्धियां हासिल की है कि गौरक्षा के माध्यम से हमने अनेक अनेक राज्यों में गौरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने के लिए हमने सरकार को विवश किया और बने भी हैं। आज ऐसी जो गौशालाएं हैं जिनमें अनेक अनेक गायें जहां उनकी रक्षा हो रही है, सुरक्षा हो रही है, उनकी देखभाल हो रही है, उनका पालन पोषण हो रहा है, उसके साथ साथ गौ आधारित खेती और भारतीय गौवंश नस्ल सुधार केंद्र भी ऐसे चल रहे हैं जहां पर हमारी गाय माता की जो नस्ल है वो उसमें सुधार हो और देसी गायों का यहां की गौशालाएं हो, ऐसे कार्य हमारे हो रहे हैं। सामाजिक समता की दृष्टि से भी हम देख रहे हैं कि अनेक अनेक जगह पर आज भी कहीं पर ऐसे कार्य तो नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी कई ऐसे उसको नैरेटिव के माध्यम से उछाला जाता है और ये बताया जाता है कि हमारा ये दलित समाज है और ये हमारा कमजोर समाज है, लेकिन आज वो स्थिति जब हम देखते हैं कि 100 साल पहले की वो स्थिति आज नहीं है, फिर भी कहीं कहीं उनको नज़र आती है कि मंदिरों में जाने से रोकना, पानी का स्रोत भी वहाँ पर वो अलग अलग होता है या मंदिरों में जाने से रोकना, तो यह आज हमारे सामने स्थिति नहीं है। हिंदू समाज ने बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया है तो इसी दृष्टि से ये विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हमने ये षष्ठी पूर्ति वर्ष ये मनाया। पूरे वर्ष हमने संगठन के ऊपर विशेष जोर दिया है और उसी में हमने ये सब कार्य जो हमारे सेवा कार्य हैं, हमारे सेवा, सुरक्षा, संस्कार
और सामाजिक समरसता के विषय में कुछ जो आंदोलन हमारे हुए हैं या समाज को या सरकार को कुछ बताने की आवश्यकता है वो बताने का प्रयत्न किया है। और इस समापन के मतलब ये वर्ष हमारा समापन का वर्ष है और उसी के निमित्त आज हमने स्थापना वर्ष ये मनाया है। लेकिन ये समापन विश्व हिंदू परिषद का नहीं, ये सत्र का समापन है। ये 60 वर्ष षष्ठी पूर्ति वर्ष का समापन सत्र है और ये निरंतर विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य में सदा लगा रहेगा और हिंदू समाज की संस्कृति की अपनी बहन बेटियों की गौ माता की सबकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है और इस प्रकार से कार्य करने के लिए सारे हमारा हिंदू समाज अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी अपना कार्य करता है। जय श्री राम। सरोज सोनी, विश्व हिंदू परिषद में महिला विभाग का दायित्व है, अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख। खबर में बस इतना ही, बने रहे CID News के साथ।